सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है और अल्टीमेटली यार घुमा फिरा के हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अब गाइज, यहाँ पे गुड न्यूज़ के ऊपर मैं कुछ फैक्ट्स आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। तो चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना। तो गाइज यार, आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो गाइज यार, पबजी मोबाइल का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमारे बीच में आ चुका है। जी हाँ गाइज, पबजी मोबाइल ने यहाँ पे अनीस अरविंद को कंट्री मैनेजर लॉन्च कर दिया, यानी कि उन कंट्री मैनेजर बना चुका है इंडिया के लिए क्रैप्टन कंपनी के द्वारा। अब गाइस, इसकी बेनिफिट्स आगे जाके मैं आप सभी को बताऊंगा। सिर्फ कंट्री मैनेजर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर के साथ साथ और बहुत कुछ यहाँ पे इंडिया के लिए लॉन्च कर दिया गया पबजी मोबाइल ने, यानी कि अपने टीम को बिल्ड कर रहा है पबजी मोबाइल। अब गाइस, एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके सामने हैं स्क्रीनशॉट के जरिए। अब गाइस, मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर पबजी मोबाइल नहीं आता है ना, अगर पबजी मोबाइल इंडिया पे लॉन्च नहीं होता, तो क्या पबजी मोबाइल इंडिया के लिए स्पेशल्स है ना कोई मैनेजर है ना, असिस्टेंट मैनेजर, कंट्री मैनेजर क्या है क्यों रखता, राइट? इसके साथ साथ हमारे बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि इंडियन अथॉरिटी के द्वारा पबजी मोबाइल को परमिशन अभी तक नहीं मिला है ना। तो गाइस यार, यहाँ पे मैं घुमा फिरा के एक ही बात कहना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स इंडियन अथॉरिटी को क्या है, प्रॉब्लम्स है सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए, है ना। क्या हो अगर पबजी मोबाइल का नाम ही चेंज कर दे, एक नया वर्जन अगर इंडिया के लिए बन सकता है तो पबजी मोबाइल का नाम थोड़ा बहुत चेंज करके उसको अगर प्ले स्टोर पर लॉन्च करा जाए, तो इसके लिए कोई भी इंडियन अथॉरिटी की परमिशन नहीं चाहिए होती है। आप सभी को पता है कि अगर मैं आप अगर एक कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी नॉर्मल से अगर गेम है ना उसको बनाते हो आप, तो इसके लिए क्या आप इंडियन अथॉरिटी के पास जाते हो परमिशन लेने के लिए? नहीं ना। तो कुछ ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी सोच है ना। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना इंडिया में पबजी लॉन्च करने का, तो क्या पबजी को अगर नया वर्जन बना सकता है पबजी मोबाइल, तो क्या उसका थोड़ा सा नाम चेंज करके अगर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट, ऐप स्टोर पर डायरेक्ट पब्लिश कर दे, तो है ना। तो ये चीज़ गाइज, क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, है ना, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके साथ साथ स्काउट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि स्काउट भाई बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल के लिए अभी बहुत देर है, ठीक है। अब गाइज, पबजी मोबाइल के लिए बहुत देर है का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडियन अथॉरिटी के परमिशन नहीं मिल रहा, ई स्पोर्ट्स जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी बता रहे हैं। अब गाइज, यहाँ पे पास देखो, 2021 में तो पबजी मोबाइल आने आएगा ही आएगा, जैसे करके भी आने वाला है, ठीक है। तो तब तक गाइस, आप पबजी केयर वर्जन खेल सकते हो या फिर पबजी ग्लोबल वर्जन विदाउट वीपीएन में खेल सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन पे ऐड कर दूंगा, नहीं तो आपको इंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही ईजी है। आप उसको डाउनलोड करके बिना वीपीएन के पबजी ग्लोबल वर्जन खेल सकते हो, हम लोग वही खेल रहे हैं, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे आपकी एक बेनिफिट्स ये है कि आपको जब तक पबजी इंडियन वर्जन नहीं आता है, तब तक आप केयर वर्जन या फिर ग्लोबल वर्जन पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छी अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, अगर आप इंटरेस्ट हो है ना, तो आप केयर वर्जन या फिर ग्लोबल वर्जन डाउनलोड कर लो, है ना, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई रखी है। उसके बाद गाइज, आप है ना अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज, यहाँ पे मैंने सारे कुछ डिटेल्स आप सभी को बता दिया। अगर पबजी मोबाइल नहीं आना था इंडिया पे, अगर पबजी मोबाइल की कोई भी प्लानिंग है ना नहीं थी इंडिया में आने के लिए, तो इंडिया के लिए मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कंट्री मैनेजर नहीं बनाता। हालांकि पबजी मोबाइल चुपचाप नहीं बैठने वाला है, आप सभी को पता है कि 600 करोड़ से भी ज़्यादा, शायद कितना अमाउंट मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, कितना अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे हैं उन्होंने पबजी को इंडिया पे फिर से रिलॉन्च करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद कोई चुप नहीं बैठने वाला है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों पे कैसे अपडेट्स आती है हमारे बीच में, जो भी अपडेट्स आएगी मैं आप सभी को जोर से बताना। और हाँ गाइस, मैं आजकल फेसबुक पे लाइव करता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट हो तो mtank2.0 जरूर से सर्च कर लेना, या फिर आपको है ना नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उसकी हैंडल दे दूंगा फेसबुक पेज की, जाके फॉलो कर लेना प्लीज़ गाइस, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो गाइस यार, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय।